देख रहे हैं दिल्ली तक, मैं हूं आपके साथ अनुराधा तंवर। दिल्ली के मेयर का पद संभालने के बाद से लगातार चर्चा में बनी हुई हैं डॉक्टर शैली ओबेरॉय। जी हां, मेयर शैली ओबेरॉय ने जब से कमान संभाली है तब से वो एक्शन में नजर आ रही हैं। कभी अधिकारियों के साथ बैठक करती हैं, कभी पार्षद के साथ मुलाकात करती हैं, तो कभी अलग अलग साइट्स पर जाकर जायजा लेती हैं, तो कभी एमसीडी के अलग अलग कार्यालयों में औचक निरीक्षण करने पहुंच जाती हैं। अब आपको ये बता दें कि इन तमाम जगहों पर जब डॉक्टर शैली ओबेरॉय पहुंची तो उन्हें कई तरह की शिकायतें मिली और खासकर नगर निगम के कर्मचारियों की काम चोरी की शिकायत मिली है। और अब इन तमाम शिकायतों को लेकर मेयर शैली ओबेरॉय ने अधिकारियों को फरमान जारी कर दिया है और ये कहा है कि एक लिस्ट बनाई जाए उन कर्मचारियों की जो काम चोरी करते हैं। तो मतलब अब जो नगर निगम के कामचोर कर्मचारी हैं उनकी शामत आने वाली है और इस बात की जानकारी खुद मेयर शैली ओबेरॉय ने अपने ट्विटर हैंडल के जरिए दी। उन्होंने बताया कि नजफगढ़ जोन के पार्षद और अधिकारियों के साथ उनकी बैठक हुई और इस दौरान कई तरह की शिकायतें उनके पास आई। क्या कुछ कहा है मेयर शैली ओबेरॉय ने ट्वीट करते हुए वो देख लीजिए। डॉक्टर शैली ओबेरॉय ने ट्वीट करते हुए ये जानकारी दी कि नजफगढ़ जोन की समस्याओं को लेकर आज पार्षदों और अधिकारियों के साथ उनकी बैठक हुई। पार्षदों ने स्कूलों, आवारा जानवरों, पार्कों की स्थिति, सफाई और सड़कों को लेकर शिकायत की। अधिकारियों को तत्काल इनके ऊपर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। लोगों के काम नहीं करने वाले कर्मचारियों की लिस्ट तैयार करने के निर्देश दिए हैं। किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो मेयर शैली ओबेरॉय ने ये साफ कर दिया है कि जो नगर निगम में कामचोर कर्मचारी हैं, जो अक्सर काम चोरी करते हैं, जनता की परेशानी को दूर करने के लिए तुरंत कार्रवाई से बचते हैं, कार्रवाई नहीं करते हैं, उन तमाम कर्मचारियों की अब एक लिस्ट बनेगी और ये लिस्ट बनाएंगे अधिकारी और इस लिस्ट में उन सभी कामचोर कर्मचारियों के नाम शामिल किए जाएंगे जिन्होंने काम चोरी की है और उन पर आने वाले समय में एक्शन भी हो सकता है, कड़ी कार्रवाई भी हो सकती है। इसके संकेत खुद डॉक्टर शैली ओबेरॉय ने दिए हैं और उन्होंने साफ कर दिया है कि एमसीडी में अब काम चोरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। दिल्ली एनसीआर से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दिल्ली तक।